नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई योजना के तहत रेहड़ी पटरी वन डे स्कोर ₹10,000 लोन मुहैया कराई जा रही है। इस विषय पर आज हमने मुखर्जी के निगम पार्षद पूजा मैदान से बातचीत करी। उनका कहना यह है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी रेहड़ी पटरी बेन 10 है, उन सभी को लोन मुहैया कराया जाएगा और पौधों का हो भी चुका है। उनका मानना यह है कि ज्यादा से ज्यादा इस आयोजन का लोग लाभ ले सकें और इस रकम से उनको कुछ मदद भी मिलेगी और अपना बिजनेस भी बढ़ा सकेंगे। मोबाइल नंबर मैम, यहाँ जो रेहड़ी पटरी को लोगों को 10,000 रुपया जो दिया जाता है, कितने दिन से ये चालू हुआ है, कितने दिन तक ये पैसे आ जाएंगे उनके अकाउंट में? ये जो रेहड़ी पटरों के वालों के लिए जो मोदी जी की स्कीम आई है 10,000 रुपये, उसको वो 15 दिन से चल रहा है, आज 16वां दिन है और अभी 20 तारीख तक चलेगा लोगों के बेनिफिट के लिए। कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये सिर्फ मुखर्जी नगर के नहीं, जो जिसको पता, बुराड़ी से भी, कैंप से भी, मलिकपुर से भी, ढका से भी, काफी जहाँ जहाँ से निधि को पता चलता है सब यहीं आ रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है? सर, आधार कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए उनकी और जो उनका बैंक की जो फोटो कॉपी है, और हमारी ये है कि फोन से लिंक हो उनकी कॉपी, बस यही चाहिए। और एक चलान, एक चलान ये जानना चाहता हूँ, जगह MCD का मांग है कि 13,000 करोड़ आम आदमी पार्टी दे दें, हाँ, वहीं में आप लोग रेहड़ी पटरी हो गए 10,000 रुपये बांध में, हाँ, क्या इसमें? देखिए, जो हम अपना हक का पैसा मांग रहे हैं केजरीवाल जी से, हम कुछ और नहीं मांग रहे, और जो ये स्कीम आई है मोदी जी अपने पर्सनल उससे कर रहे हैं, MP PM अपने फंड से कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो कोरोना काल जो इतना लोगों के हालात खराब हुए, रेहड़ी पटरी ताज़ा कमाते थे, ताज़ा खाते थे, और वो 10,000 रुपये अगर ब्याज पे लेते हैं उनके बचता क्या है, ये उनकी एक सहायता के लिए किया गया है मोदी जी के द्वारा। और जो हमारा हक है 13,000, वो तो सर आज जो रेहड़ी पटरी वाले को जो पैसे मिल रहे हैं 10,000 रुपया मोदी जी के योजना से, क्या है पूरा मामला बताएं? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की चिंता करते हैं, तो पूरे देश भर के अंदर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लगभग 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन बगैर किसी गारंटी के, बगैर ब्याज के दिया जा रहा है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो हमारा देश का गरीब है, जो रेहड़ी लगाता है, पटरी लगाता है, और उसको अपना काम चलाने के लिए 10% 15% पे ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है, उनको पैसा लेना ना पड़े, उसी योजना के तहत दिल्ली के अंदर भी लगभग 50,000 से ज़्यादा हम रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ये लोन दे रहे हैं। सारे हमारे पूरे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 6 के 6 जोन में ये सारा काम चल रहा है। हमारा टारगेट लगभग 15,000 उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 15,000 लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराना है, इसका वो लाभ उठा सके, और 12,000 के करीब हमने लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है, और 12,000 में लगभग 1500 लोगों को बैंक से डिलीवरी पेमेंट भी हो गई है। इसका मतलब दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली की बात करें तो 1500, और पूरी दिल्ली की बात करें तो लगभग 5,000 के आसपास लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, और आने वाले समय में लगभग 50,000 परिवार बगैर किसी ब्याज के राशि प्राप्त करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक सपना है कि ये देश आत्मनिर्भर हो, और आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो गरीब है उसका महत्वपूर्ण योगदान है, वो अच्छे से आत्मनिर्भर होकर के अपना रोजगार चला सके, किसी पर डिपेंड ना हो, इसी योजना के तहत ये स्कीम चल रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर होने के नाते 31 दिसंबर तक का जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट को हम पूरा करेंगे और 100% टारगेट पूरा करके गरीबों को इसका लाभ पहुँचवाएंगे। क्या लग रहा है सर, रेहड़ी पटरी के अलावा कोई और व्यक्ति भी मिल सकता है क्या ये? अभी उसके अंदर कैटेगरी ये है, उस कैटेगरी में जितने भी लोग, चाहे कोई सब्जी की दुकान लगाता है, चाहे कोई रेहड़ी लगाता है, चाहे पटरी लगाता है, उस कैटेगरी में जितने लोग आते हैं उन सबको उसका लाभ मिलेगा, और इसमें उनको डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा नहीं देने। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको इसके लिए दस्तावेज कितने दें, सिर्फ आपको कोई एक रसीद, जो आपकी अपनी रसीद कभी निगम ने चलान के रूप में काटी हो, या आप कोई वहाँ पर ठिया लगा, तो एक वो रसीद देनी है, एक आपको अपना आधार कार्ड देना है, एक अपना बैंक का अकाउंट देना है। इन तीन कागज के आधार पर ही आपको इतनी बड़ी सुविधा मिलने वाली है, और गरीब जो कि जिसके लिए 5,000 10,000 बहुत बड़ी चीज़ होती है।